पढ़ोगे नहीं, समाज की संगोष्ठियों में नहीं बैठोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा सेपरेट इलेक्टोरल क्या है। सेपरेट इलेक्टोरल में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश के मूलवासियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी कि ये जो संसद के अंदर चुन के जाएंगे, ये जो विधानसभाओं के अंदर चुन के जाएंगे, उसमें जो रिजर्व सीट होगी उनको चुनने का अधिकार केवल रिजर्व के लोगों को मिलेगा, मूल निवासियों को मिलेगा। वो ही जानते थे कि अगर उनको चुनने का अधिकार सबको मिल गया तो वो जो चुन के जाएगा वो उस गंभीरता के साथ समाज के दुख दर्द को विधानसभाओं में और संसद में चर्चा नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे समाज के लिए सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए, मेरे समाज के नेताओं को चुन के मेरे समाज के लोग भेजेंगे। लेकिन इसके विरोध में गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गांधी जी भी बहुत फॉरसाइटेडनेस थे, उनकी भी बहुत दूर की सोच थी। वो जानते थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरल मिल गया तो फिर वर्ण व्यवस्था को कायम रखना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये शोषण, वो शोषण के पक्ष में नहीं थे गांधी जी, लेकिन वर्ण व्यवस्था के पक्ष में थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का और गांधी जी का सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर विवाद था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते थे वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, लेकिन गांधी जी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। इसी बीच में जो लड़ाई थी, इसीलिए गांधी जी जानते सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब क्या है, वो उसके विरोध में अनशन पर बैठ गए। और हालात ये हो गई कि वो दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे, पूरे देश से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पर दबाव बन रहा था कि या तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आप गांधी जी से समझौता कर लो, और अगर तुमने समझौता नहीं किया, अगर गांधी जी की इस आंदोलन में जान चली गई तो इस देश के मूल निवासियों को चुन चुन के कत्ल कर दिया जाएगा, तमाम इस देश के दलितों पिछड़ों इनकी हत्या कर दी जाएगी। तब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पर इतना दबाव बन गया कि अगर गांधी जी की डेथ हो गई और मेरे पूरे समाज का कत्लेआम कर दिया तो फिर इस सेपरेट इलेक्टर को लेके मैं क्या करूंगा। तब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कंपेल हो गए, मजबूर हो गए समझौता करने के लिए, और उन्होंने अपनी मांग वापस ली। ये जो मांग वापस ली, इस मांग को वापस लेने के बदले में जबरदस्ती ये आरक्षण दिया गया। ये सब लोग सुन लें, कहीं भी डिबेट में मौका मिले तो लोगों को बताइए कि ये रिजर्वेशन कभी भी मांगा नहीं था, आरक्षण कभी नहीं मांगा हमारे लोगों ने। ये आरक्षण जो बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की थी उसके बदले में जबरदस्ती हमें दिया गया, हमारे ऊपर थोपा गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को इस मुद्दे पर समझौता करना पड़ा तो दिल से इतने दुखी थे कि उन्होंने कहा कि आज मेरा मन करता है कि मैं बिजली के खंभे से चिपक कर अपनी जान दे दूं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अपने समाज के हक को छोड़ के आज समझौता कर रहा हूं, और ऐसा समझौता कर रहा हूं जिसको मेरा मन गवारा नहीं करता। तो वो लोग कौन है जो बार बार आरक्षण का नाम लेके हमारे पूरे समाज की स्वाभिमान पे हमला करते हैं, हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी योग्यता पे बार बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं जानना चाहता हूं अगर आज हमारा देश 125 देशों से भी पीछे है तो उसका कारण वो लोग हैं जो इस देश की सत्ता में बैठे हैं। आजादी से लेकर आज तक का इतिहास देख लीजिए, जो लोग इस देश के राष्ट्रपति रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, हमारे देश के गृह मंत्री रहे, हमारे देश के कानून मंत्री रहे, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, हमारा देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रहे, जब सारे के सारे ऊंचे पदों पे हमेशा से तुम रहे हो,
आजादी से पहले भी सत्ता तुम्हारे पास थी, हम तो 4000 साल से गुलाम थे, और आजादी के बाद भी सत्ता तुम्हारे पास रही। हमारा तो एक को छोड़ दिए तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी नहीं बना। हमारा तो प्रधानमंत्री बनने वाला था, काबिल था, उनका हक था, बाबू जगजीवन राम जी का उनके साथ धोखा हुआ। जातिगत मानसिकता ने बाबू जगजीवन राम को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। तो जब इस देश के मुख्य न्यायाधीश आप, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश आप, जित कैबिनेट सेक्रेटरी आज तक हमारा कोई नहीं बना, सारे पोस्ट तो आपके पास रहे हैं, देश की नीति निर्धारित तो आप लोगों ने की है, देश के डेवलपमेंट का प्लान बनाने वाले आप रहे हो, सारे साधन आपके पास थे, फिर अगर ये देश विश्व में 125 देशों से पीछे है तो इसकी जिम्मेदारी लीजिए। आप मेरिटोरियस नहीं हो, आप काबिल नहीं हो। आपकी काबिलियता पर संदेह पैदा होता है आपके खुद के रिजल्ट से, क्योंकि मेरिट तो रिजल्ट से पता लगती है। जब सारी सत्ता आपके पास रही, देश को आपने चलाया, देश के सारे सिस्टम को आपने चलाया, देश के डेवलपमेंट का प्लान आपने बनाया, तो दोष किसी और को नहीं दे सकते। दोष तो उन मेरिट वाले लोगों का है जिसने पूरे देश के बड़े बड़े संसाधनों पर कब्जा रखा। मैं जानना चाहता हूं, अगर मेरिट की बात की जाए तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसको दुत्कार के भगा दिया। उन्होंने कहा तू भील है, आदिवासी है, अछूत है, तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते हम, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र ये अलाउ नहीं करते कि कोई भील, कोई दलित, कोई अछूत ज्ञान अर्जित करे, कोई शिक्षा प्राप्त करे। उनको दुत्कार के भगा दिया। उसके बाद एकलव्य ने खुद अपने आप प्रैक्टिस की, अपने आप प्रैक्टिस करके अपने धनुर्विद्या को उस लेवल तक लेके चले गए कि पूरी दुनिया के अंदर उनके मुकाबले का कोई धनुर्धर नहीं था। जब द्रोणाचार्य जी ने उनको उनकी उस विद्या को देखा और पूछा भी किससे सीखा है, उसने कहा जी मेरे गुरु ये, उसकी मिट्टी की वो मूर्ति बना रखी थी। वो समझ गए कि इसने खुद मेहनत करके सीख लिया। लेकिन चलाकी और छल कपट की इंतहा देखिए, गुरुओं के नाम पे कलंक, जिनके नाम से हमारे देश की सरकारें द्रोणाचार्य पुरस्कार देती हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे ये बात इस मंच से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक मंत्री के तौर पे करनी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं सच नहीं बोल सका तो फिर तो मेरा मरना बेहतर है। अगर अपने समाज के दुख दर्द पे मैं चर्चा नहीं कर सका, अगर अपने समाज के पिछड़ेपन पे चर्चा नहीं कर सका, अगर बाबा साहेब के आजीवन आंदोलन पे मैं चर्चा नहीं कर सका, तो लालत है मेरे ऊपर, मुझे भी फिर बिजली का खंबा पकड़ के अपनी जान दे देनी चाहिए। क्या द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा के नाम पर एकलव्य का अंगूठा लेना ठीक था? क्या ये शर्म की बात नहीं है? इसका मतलब मेरिट हमारे लोगों में उस वक्त भी थी और आज भी है। जब देश का संविधान लिखने की बात आई तो अल्टीमेटली संविधान लिखने की जिम्मेदारी भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को निभानी पड़ी। विश्व का सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा। आज भी वो संविधान उसी तरह कायम है, आज भी उसके अंदर लिखी हुई बातें उसी तरह कायम है, और शायद अगर भारत आज भारत है तो उसका श्रेय बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जाता है। भारत तो छोटे छोटे राज्यों में बना, पाकिस्तान के जब संविधान को लिखने की बात आई तो वहां भी मेरिट वाले लोग दिखे नहीं। वहां के संविधान को भी प्रोफेसर जोगिंदर नाथ मंडल ने लिखा, वो भी हमारे समाज के आदमी थे। पिछले से पिछले साल आईएएस का एग्जाम जब हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में 22 साल की उम्र में जिस लड़की ने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को टॉप किया, टीना डाबी, फर्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखाया। वो
वो भी हमारी समझ की हमारी बेटी थी। पिछले साल जेई मेन के अंदर जिस लड़के ने 360 में से 360 पहली बार लाके कीर्तिमान स्थापित किया, वो भी हमारे समाज का बच्चा था। और इस बार भी जिस लड़के ने ऑल इंडिया आईएएस टॉप किया है, वो भी हमारे समाज का बच्चा है। दिल्ली के अंदर वो शेड्यूल कास्ट में आती है, उसकी जाति आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर वो जाति बैकवर्ड में आती है, तो वो भी तो हमारे समाज का बच्चा है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, हमारी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह मत लगाना। हमारे अंदर योग्यता की कमी नहीं, कूट कूट कर योग्यता भरी है। आप अवसर तो दीजिए। दुखद यह है कि इस देश में खेती की जमीन में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, उद्योग धंधों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। भाई, जो लोग इस देश में निर्माण का काम करते हैं, जो लोग सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, खेत के अंदर अनाज पैदा करते हैं, जो कपड़े उनके कपड़ा तैयार करते हैं, मकान बनाने वाले के सर पे छत नहीं, अनाज उगाने के वाले के पास भरपेट खाना नहीं, और कपड़ा बुनने के वाले के पास बदन ढकने को पर्याप्त कपड़ा नहीं, ये कैसी व्यवस्था है? ये कौन से मेरिट वाले लोग हैं जो लोग ऐसी नीतियां बनाते हैं कि गरीब और ज्यादा गरीब रहे और अमीर और ज्यादा अमीर हो जाए? मानते हैं कि आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम, भारत का सबसे नंबर वन का एग्जाम पास किया, आपको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, ठीक है, लेकिन आप तो रिटायरमेंट के बाद भी 80,000 पेंशन लो, और हमारा मजदूर किसान वो भूखा पेट सोए। हमारा फोर्थ क्लास एम्प्लॉई, उसको रिटायरमेंट के बाद भी इतना कम पैसा मिले कि वो बीमारी में इलाज भी ना कर पाए। मैं समझता हूं ये चर्चा हमें और आपको पूरे देश में जा जाके करनी पड़ेगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इस जजमेंट ने हमें अंदर तक झकझोर के रख दिया। क्या था ये जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई के लिए ये जजमेंट आया, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो जजेज, उस बेंच में दो जज बेंच की जजमेंट थी, जस्टिस ए के गोयल साहब, जस्टिस यू ललित साहब, जब दोनों जजों ने बहस सुनते हुए महाराष्ट्र के वकील से और केंद्र सरकार के अटोर्नी जनरल से सवाल किया, क्या तुम ये मानते हो कि इस कानून का दुरुपयोग होता है? तो सरकार के वकीलों ने, केंद्र सरकार के वकील ने भी और महाराष्ट्र सरकार के वकील ने भी, कोर्ट को यह बताने की बजाय कि आज भी ये लोग जब मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं तो उनको धुतकार के धक्के देकर भगा दिया जाता है थाने से, और अगर बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज भी हो जाए तो इनको गवाही देने के लिए कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जाता, इनको डरा धमका के समझौता करवा दिया जाता है। कानून के अंदर प्रोविजन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके कंप्लेनेंट को देना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं दिया जाता। गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, नहीं कराई जाती, गवाहों को डरा धमका के तोड़ लिया जाता है। और तो और, जो मुआवजे का प्रोविजन है एक्ट के अंदर, वो मुआवजा भी एडी रगड़ रगड़ के बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार के अटोर्नी जनरल को और स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र के वकील को ये जो तथ्य, जो सच्चे तथ्य हैं, जो हकीकत है, सुप्रीम कोर्ट को वो बतानी चाहिए थी, लेकिन वो तथ्य कोर्ट के सामने रखने की बजाय दोनों वकीलों ने कहा कि हां, इस कानून का दुरुपयोग तो होता है। और शर्म की बात तो यह है कि वो यहीं तक नहीं रुके, उन वकीलों ने कहा कि इसको केवल एक जजमेंट के तौर पे ना देखा जाए, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का कोई दुरुपयोग ना कर पाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, और जजमेंट इतना खतरनाक दिया, उसकी तीन शर्तें ऐसी हैं
जो तीनों शर्तें इस कानून को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देती है। बेशक से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा हो कि हमने कोर्ट ने SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट नहीं किया है, लेकिन सच यह है कि उन्होंने तीन ऐसी शर्त डाली है। वो शर्त मैं आपको बताता हूं, फिर आप निर्णय कीजिएगा, आप निर्णय कीजिएगा कि क्या इस कानून को पूरी तरह से तबाह कर दिया, यही कानून सुरक्षित रहा है। एक शर्त तो यह लगा दी कि अगर कोई भी एट्रोसिटी की कंप्लेंट पुलिस के पास आती है तो पुलिस उसमें मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। पहले DSP रैंक का अधिकारी उस पर जांच करेगा और जांच में अगर आता है कि हां एट्रोसिटीज हुई हैं, तब वो पुलिस अधिकारी मुकदमा दर्ज करेगा। अब हमारे लोगों की जांच में क्या रिजल्ट आना है, मुझे लगता है यह बताने की जरूरत नहीं है। दो तीन महीने तक तो जांच चलती रहेगी, कोई जांच चल रही है, और दो तीन महीने बाद दो फर्जी गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी पुलिस, क्योंकि उसे तो बचाना है ना, जुल्मी को, शोषण करने वाले को बचाना है, उससे पैसे लेंगे या कुछ और लेंगे जो होता है इस देश के अंदर, या जो दबंग है, भाई दबंग की तो सब जगह चल जाती है, उसकी तो अप्रोच होती है, पर हमारे इस गरीब शोषित की तो बेचारी कोई अप्रोच ही नहीं है। दो फर्जी गवाह रिकॉर्ड होंगे, वो कहेंगे जी इस तारीख को हम वहां मौजूद थे, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उन दो फर्जी गवाहों की स्टेटमेंट DSP रिकॉर्ड पे लगाएगा और रिकॉर्ड पे फाइल बंद कर दी जाएगी कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ये मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? एक शर्त तो ये लगा दी, पहले जांच करो तब मुकदमा दर्ज करना। दूसरी शर्त ये लगा दी कि अगर मुकदमा दर्ज हो भी जाए और मुलजिम को अरेस्ट करना पड़े, तो मुलजिम को अरेस्ट करने से पहले अगर गवर्नमेंट नौकरी वाला है मुलजिम, तो उसके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अरेस्ट करने की, और अगर कोई प्राइवेट आदमी है तो एरिया के SSP से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अरेस्ट करने की। आपको लगता है कि ऐसे सभी केसों में परमिशन मिलेगी? और तीसरी शर्त यह लगा दी, जो भी पुलिस अधिकारी इस पहली कंडीशन को, यानी कि DSP रैंक का अधिकारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, उसके बाद लगता है मुकदमा बनता तो दर्ज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी इसको, इस शर्त को तोड़ता है, इसका उल्लंघन करता है, बिना जांच के FIR करता है और बिना प्रायर परमिशन के अरेस्ट करता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब जिस पुलिस अधिकारी को यह डर बन गया कि भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो मेरे खिलाफ होनी है, मेरी नौकरी जानी है, वो तो हाथ भी नहीं डालेगा केस में, वो तो बचना चाहेगा, वो तो दो फर्जी रिकॉर्ड करेगा, स्टेटमेंट कर देगा इसमें कुछ घटना घटी नहीं है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों इलाहाबाद के अंदर एक गांव में एक लड़के की 22 अप्रैल की शादी थी, उस शादी के लिए वहां गांव वालों ने कहा भाई घोड़ी पे चढ़ के नहीं निकलने देंगे आपको, यहां ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि दलित घोड़ी पे चढ़ के निकल जाए। उसने वहां की हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट से कहा कि मुझे घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात निकालनी है, प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रहा है, प्रशासन को डायरेक्शन दो कि प्रशासन मुझे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए। आपको जान के ताज्जुब भी होगा और शर्म भी आएगी कि वहां के प्रशासन ने हाईकोर्ट में जवाब दिया कि अगर हमने इसकी घोड़ी पे बारात निकलवा दी तो कानून व्यवस्था फेल हो जाएगी, दंगे हो सकते हैं, लिया जाए इसको, पुलिस परमिशन ना दी जाए। और कोर्ट ने पता क्या ऑर्डर दिया? कोर्ट को देना तो यह निर्णय चाहिए था कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दे कि आप पुलिस सुरक्षा मुहैया कराइए। कोर्ट ने कहा नहीं भाई, केस उसका रिजेक्ट कर दिया और यह कह दिया कि पहले जाओ बारात निकालो, फिर कुछ हो जाए तो पुलिस के पास चले जाना या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहां केस डाल देना। मतलब इसका मतलब ये निकला, पहले जा मर, अपनी जान गवा, उसके बाद फिर कोर्ट में जाना। अगर हमारे माननीय न्यायालय इस तरह की जजमेंट देंगे
तो क्या लोगों का कानून में भरोसा रहेगा? कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो या बड़ा हो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, या हम जैसा मंत्री हो या एमएलए हो या आम आदमी हो, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम तो कानून के विद्यार्थी रहते, हमने पढ़ा है एवरीबॉडी इज इक्वल अमंग इक्वल्स, यानी सभी बराबर हैं। देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, भारत में कानून का शासन है। नोबडी इज अबाउट द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है का मतलब है हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी कानून से बंधे हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर कानून के अवहेलना कोई भी करेगा उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। कानून ये नहीं देखेगा कौन किस पोस्ट पे बैठा है, कानून ये देखेगा कि अपराध क्या हुआ है। तो इस हिसाब से मुझे केस याद आ गया, यूपी के अंदर एक कोर्ट के जज रिटायर हुए, शेड्यूल कास्ट जज। तो वहां जो दूसरे जज आए उसने पहले वहां गौमूत्र छिड़कवाया और गंगा जल छिड़कवाया, कोर्ट रूम को पवित्र किया, फिर वो अपनी कुर्सी पे बैठे। अब जरा सोचिए अगर जजों की मानसिकता ये होगी, वो न्याय क्या करेगा, उससे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे। अभी मैं टीवी पे देख रहा था एक शायद हाईकोर्ट के जज, कौन से हाईकोर्ट के ये मैं नहीं जानता, तो आसाराम उर्फ आसुमल जिनको भी अभी रेप के केस में सजा हुई है, उनको जेल से कोर्ट में पेश करने के लिए ला रहे थे तो वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उनके पैर छूने लगे, एक बलात्कारी के पैर छू रहे हैं हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, सर मानी चाहिए। फिर कानून की क्या रक्षा होगी, क्यों भारत के संविधान को मानेंगे या मनुस्मृति को मानेंगे, ये संदेह पैदा होता है। सोचना जनता सोचेगी देश की। पिछले दिनों पहली बार भारत के अंदर ऐसा वाक्य हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेस मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा हम जनता की अदालत में आए हैं, जनता न्याय करेगी, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या फिर न्याय की उम्मीद करेंगे? मुझे लगता है समय आ गया है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को बिना किसी प्रकार के राजनीतिक दबाव के अपनी आंखों के सामने जब भी निर्णय सुनाए तो भारत के संविधान को रख लेना। भारत का संविधान आंखों के सामने होगा तो न्याय कर पाओगे। अगर राजनीतिक पार्टी के नेताओं के दबाव में आओगे, चाहे वो दिन तक देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, किसी के दबाव में मुझे लगता है कोर्ट को आने की जरूरत नहीं है। तभी कोर्ट की गरिमा सुरक्षित रहेगी, तभी कोर्ट का मान सम्मान सुरक्षित रहेगा, तभी जनता का कोर्ट के अंदर भरोसा सुरक्षित रहेगा। इसी मेरिट पे एक किस्सा और याद आ गया, लंबा हो रहा है शायद छोटा कर दूं। एक किस्सा मुझे याद आ गया, दो किस्से हैं। पहला किस्सा, एक हमारे सीनियर आईएएस थे माता प्रसाद जी, वो भारत सरकार में पहली बार कोई सुलकाश का नंबर है कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का, क्योंकि जो उनसे पीछे सुब्रमण्यम रिटायर हुए उसके बाद सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जिसको भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बनना था, जो पूरे देश की कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण रोल जिनका होता है, तो इस देश की सरकार ने बड़ी घटिया सोच के तहत, मनुवादी मानसिकता के तहत, और मैं कहता हूं उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग कहते हैं देश में जातिवाद नहीं है, उस घटिया सोच के तहत उस वक्त की केंद्र की सरकार ने जो पीछे वाले सुब्रमण्यम रिटायर हुए थे उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया और इस 6 महीने के अंदर माता प्रसाद जी रिटायर हो गए। माता प्रसाद जी को भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बनने से जातिगत मानसिकता की वजह से रोक दिया। एक और किस्सा याद आता है, जब के आर नारायणन जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे,
तो उस वक्त दो तीन चीजें जो परेशान करती हैं, फिर मैं इस वाक्य को बताऊंगा। हमारे समाज का राष्ट्रपति बनता तो दलित राष्ट्रपति, और दूसरा कोई राष्ट्रपति बनता तो राष्ट्रपति, दूसरा कोई मंत्री बनता है तो मंत्री, हमारा मंत्री बनता है तो दलित मंत्री। ये क्या ढोंग रच रहे हो आप? आप कहते हो जातिवाद खत्म हो गया, आप कहते हो छुआछूत रही नहीं है, आप कहते हो एट्रोसिटी एक्ट की जरूरत नहीं है, आप कहते हो इसका दुरुपयोग हो रहा है दुनिया के अंदर। तो छोड़ो, चलो भारत में भारत की चर्चा करते हैं। भारत का कोई एक कानून बता दो, कोई एक कानून जिसका दुरुपयोग ना होता हो। और अगर सब इस बात से सहमत हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि फला कानून का दुरुपयोग हुआ, फला कानून का दुरुपयोग हुआ, कोर्ट भी मानती है कि 10-15% ऐसे मुलजिम जेलों में पड़े जिन्हें यही नहीं पता जुर्म क्या हुआ है, बिना किसी जुर्म के जेल में पड़े। तो इसका मतलब कोर्ट भी इस बात को मानती है कि हां कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। तो क्या उन सारे कानूनों में यह व्यवस्था कोर्ट दे देगी कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा? यह पक्षपात एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के साथ ही क्यों? वापस आता हूं उसी मुद्दे पे। एक बार हमारे पहली बार ऐसा मौका आया कि भारत के अंदर 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे समाज के थे, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस के आनंद जी थे। तब ये फाइल सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की फाइल आगे आई, और वो फाइल सिग्नेचर होने के लिए अल्टीमेटली राष्ट्रपति जी के पास आती है, और राष्ट्रपति के आर नारायणन साहब बहुत विद्वान राष्ट्रपति थे, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। उन्होंने जब उसमें देखा कि किसी महिला को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, किसी अल्पसंख्यक को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, किसी दलित को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उनको पता था भाई 3-3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनका नंबर था सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का, उनमें से एक का भी नाम नहीं है। तो उन्होंने उस फाइल पर नोटिंग कर दी एक, उन्होंने कहा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इज टू बी गिवन टू दी एससी एसटी विमेन एंड अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, और वो फाइल वापस कर दी। आपको पता होगा ये जो टिप्पणी होती है गोपनीय होती है, वो गोपनीय टिप्पणी पब्लिसाइज कैसे हुई, पब्लिक को कैसे पता लगा, अखबारों में क्यों आया, और जिसने पब्लिक किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास थी ना फाइल, तो फाइल पब्लिक कैसे हो गई? बड़ा हंगामा हुआ उस टाइम। तो पता लगा जब वो ज्यादा मुद्दा बन गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जो 3 हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं शेड्यूल कास्ट, उनमें 2 काबिल नहीं है। मतलब वो नीचे से जज बनते 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 काम करते हुए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तक पहुंच गए, तब तक उनकी योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3-3 शेड्यूल कास्ट जज ना बन जाए तो ये इनएफिशिएंसी का चार्ज लगा दिया कि 2 जज ऐसे हैं जो एफिशिएंट नहीं है, और तीसरे जज के बारे में कहा कि ये एफिशिएंट तो है पर भी इसकी उम्र कम है, जबकि उनके बाद वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और उनके सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद उनसे भी कम उम्र का आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। तो वही जो तर्क दिया गया था वो तर्क तब कहां चला गया? और वो हमारे जस्टिस थे जस्टिस के जी बालाकृष्णन साहब, जो भारत के लगभग 3.5 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। तो क्या ये पक्षपात इतने ऊपर के लेवल पे, मतलब माता प्रसाद जी को कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनने दिया, ओम प्रकाश जी और एक और दूसरे को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनने दिया, जस्टिस के जी बालाकृष्णन जी को सुप्रीम कोर्ट जज बनने से लेट कर दिया, इतने ऊपर लेवल पे अगर मतलब कास्ट सिस्टम है, छुआछूत है, और अगर कोर्ट का जज एक शुल्का जज के रिटायर होने के बाद मूत्र छिड़क कर गौमूत्र छिड़क कर गंगा जल छिड़क कर कोर्ट को पवित्र करता है, उसकी मानसिकता कैसी है? तो कैसे कह सकते हो कि इस देश से छूतपन खत्म हो गया?
आज ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, इस जजमेंट के आने के बाद जो पूरा का पूरा समाज कई कारणों से दुखी था, एक तो इसलिए दुखी था कि हमारा हजारों साल की गुलामी के बाद बाबा साहब ने हमें आजाद तो कर दिया, अधिकार भी दे दिए, स्कूलों में पढ़ने का अधिकार भी मिल गया, कॉलेजों में रिजर्वेशन भी मिल गया, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन भी मिल गया, धीरे धीरे तरक्की होनी शुरू हुई थी। लेकिन इसी बीच लगभग 40-45 साल पहले धीरे धीरे पब्लिक स्कूल खोलना शुरू किया और पब्लिक स्कूलों की फीस इतनी है कि हमारे समाज के 99% लोग एक बच्चे की पढ़ाई पर 10,000 रुपये महीना खर्च नहीं कर सकते। और जो ये धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल दिए प्राइवेट, जहां एक बच्चे की एक साल की फीस कई कई लाख रुपए महीना है, वो कई कई लाख रुपए साल की फीस है, तो हमारे समाज के 99% लोग कई लाख रुपए की फीस देके पढ़ तो नहीं सकते ना, तो हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में। इसीलिए जानबूझकर सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को गिराया गया, टीचर्स की टाइम से भर्ती नहीं की और ऊपर से नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी। उन्हें पता है कि सरकारी स्कूल में दलित और पिछड़ों के अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं, इनके बच्चों की तरक्की कैसे रोकी जाए। ये भारत का संविधान तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा बना दिया कि सबको एक वोट, समान वोट का अधिकार दे दिया। अब वोट के अधिकार के चलते जीतने के लिए वोट चाहिए और संख्या इनकी ज्यादा है, तो भाई इनको रोके कैसे। तो उन्होंने धीरे धीरे एक तरफ तो पब्लिक स्कूल खोलने शुरू किए और दूसरा सरकारी स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की, पहली से आठवीं तक ऐसे ही पास कर दो, चाहे उसको कुछ भी लिखना पढ़ना ना आता हो। नौवीं में कानून बना दिया, जो बच्चा दो बार फेल होगा स्कूल से निकाल दो, मुझे तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। और नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से पहली से आठवीं तक उसे ऐसे ही पास कर दिया, जरा बताइए क्या वो बच्चा फिर कुछ बन पाएगा, क्या उसे रोजगार मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे समाज के गरीब बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते को इन्होंने बंद कर दिया। केवल इन्होंने हमारी एजुकेशन खत्म नहीं की, बल्कि इन्होंने धीरे धीरे सरकारी नौकरियों को भी धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। पहले तो कुछ भारत सरकारी संस्थानों को इन्होंने भेज दिया और जो जो बीके एक साल के अंदर जो जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के थे सारे नौकरी से निकाल दिए। उसके बाद ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, ठेकेदारी प्रथा में रिजर्वेशन है नहीं। उसके बाद पिछले से पिछले पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट बैन कर दिया कि अब चपड़ासी भर्ती नहीं होंगे, अब सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं होंगे, यानी फोर्थ क्लास में एम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं, सब ठेके पे आउटसोर्स बाहर से, और उसमें भी रिजर्वेशन है नहीं। और उसमें शोषण इतना है कि जो सरकारी नौकरी पे सफाई कर्मचारी को तो 50,000 तनख्वाह मिल रही है, जो पुराने सफाई कर्मचारी हैं सरकारी नौकरी में हैं पक्के उनको तो मिल रही है 50,000, और जो प्राइवेट काम कर रहे हैं ठेके पे उनको 5,000 रुपये में 12-12 घंटे रगड़ा जा रहा है। तो देखा जाए तो हमारे समाज के आगे बढ़ने के रास्ते इन्होंने शिक्षा के रास्ते को रोककर और प्राइवेटाइजेशन करके नो डिटेंशन पॉलिसी लाके धीरे धीरे हमारे समाज के आगे बढ़ने का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। इसका शिकार कौन हुआ? एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग, गरीब लोग, गरीब समाज के लोग। आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो ये गुस्सा बाहर निकला जनता का, ये केवल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कारण नहीं है, ये हमारे समाज के बच्चों की शिक्षा छीनना, हमारे समाज के लोगों की सरकारी नौकरी छीनना, हमारे समाज का ठेकेदारी प्रथा के तहत शोषण करना, हमारी मां बहनों की इज्जत लूटना, हमारे भाइयों को जिंदा जलाए जाना, ये सारा का सारा गुस्सा धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। जो 2 अप्रैल को पूरे देश में भारत, शांतिपूर्ण भारत बंद करके समाज का गुस्सा सड़कों पर निकल के आया। मैं सैल्यूट करता हूं समाज के उन लोगों को जिन्होंने इस गुस्से को छोड़ के रखा। लेकिन दुखद यह है, भारत का इतिहास गवाह है, हमारे समाज के लोगों ने कभी सरकारी संपत्ति को आग नहीं लगाई, हमारे समाज के लोगों ने कभी आगजनी नहीं की, हमारे समाज के लोगों ने कभी विपक्षियों की हत्या नहीं की, हमारे समाज के लोगों ने कभी किसी पे बिना वजह हमला नहीं किया। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन था, हमारे आंदोलन के अंदर घुस के मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने पथराव किया, आगजनी की, हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को फेल करने की कोशिश की। हमारे लोग केवल पुलिस की गोली से नहीं मरे,
बल्कि हमारे लोगों को राजा चौहान जैसे लोगों ने भी गोलियों से मारा। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है, जितने लोग हमारे मारे गए उन सब राज्यों में किसकी सरकार है, नाम नहीं लूंगा, बीजेपी बोल दूं, चलो बीजेपी। यूपी में हमारे लोग मारे गए, राजस्थान में हमारे लोग मारे गए, हरियाणा के अंदर हमारे लोग मारे गए, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे लोग मारे गए, किसकी सरकार है वहां? ये राजा चौहान कौन है? वो गोली हवा में नहीं चला रहा, वो गोली ऐसे चला रहा है किसी ने वो फोटो देखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हम लोग को इंसान नहीं समझते क्या? हमें जीने का हक नहीं है? भारत का संविधान की धारा 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करती है, जो धरने प्रदर्शन करने की भी इजाजत देती है, तो क्या हमारे समाज के लोगों को शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन करने का भी हक नहीं है? क्या आप हमें मार दोगे? क्या हमें डराओगे? क्या हमें बार बार असुरक्षा का भाव पैदा करोगे? और इस घटना के अगले दिन क्या हुआ? 3 तारीख को राजस्थान के अंदर 2 MLA के घरों में आग लगा दी गई, जिनमें एक पूर्व मंत्री भी था और एक प्रेजेंट की सरकार की मंत्री, 2 के घर में आग लगा दी। और उसके नेक्स्ट डे से हमारे लोगों को राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, घर घर से जवान बच्चों को उठा उठा के झूठे केस मुकदमे बना के जेलों में डाल दिया। एक तरफ वो लोग हैं जो आरक्षण के नाम पे राजस्थान के अंदर गुर्जर आंदोलन चला रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज, उन्होंने तो खूब रेल रोके रखी 15-20 दिन तक, यातायात ठप रखा, रेल की पटड़ियां फाड़ दी, उनके खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज किए थे सारे वापस ले लिए सरकार ने। हरियाणा के अंदर जितने जाटों के आंदोलन में मुकदमे बने सारे केस वापस ले लिए राजस्थान की, हरियाणा की सरकार ने। यूपी के अंदर जितने केस इनके लोगों के खिलाफ चल रहे थे सारे के सारे केस यूपी की सरकार ने असीमानंद जैसे लोगों पर से केस वापस ले लिए। तो एक तरफ तो जिन्होंने वास्तव में किया उनको तो आपने केस वापस लेके मुक्त कर दिया, लेकिन मेरे समाज के भोले भाले बेकसूर बच्चों के खिलाफ झूठे मुकदमे बना के घर से उठा उठा के जेलों में डाल दिया। आज हजारों बच्चे मेरे समाज के जेल में है। क्या कराना चाहते हैं? क्या एहसास कराना चाहते हैं? हमें डराना चाहते हैं? हमारे युवाओं को जेल में डाल के झूठे मुकदमे बना के हमें डराना चाहते हैं? मैं इनको बता देना चाहता हूं, ये कोई राजनीतिक स्पीच नहीं है, ये बाबा साहेब के जयंती के अवसर पे ये हमारे दिल के उद्गार है, और ये मेरे लिए पूरे समाज के दिल के उद्गार है। हमें झूठे मुकदमे में डालना बंद कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके हमारे बच्चों को केस वापस लेके जेल से रिहा कीजिए। और अगर आप नहीं करेंगे, और जिस दिन हमने ठान लिया कि चलो एक हाथ में बाबा साहब का संविधान लेके सीने से लगाओ, आज हम भारत की जेलों में जाने को तैयार, हम जेल भरो आंदोलन छेड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जेल भरेंगे। आपकी जेल तो छोड़िए, आपके घरों में भी जगह नहीं बचेगी, इतना लंबी समाज है हमारा, इतना बड़ा समाज है। लास्ट में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा साथियों, अगर बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब की 127वीं जयंती मना रहे हैं, अगर आप सच्चे भीम के पुजारी हैं तो पहले एक बात का संकल्प कीजिए, पहले हमें छोटी छोटी जातियों में मनुवादी व्यवस्था ने बांटा, हम सब लोग एक थे, मूलनिवासी थे देश के, सब कुछ हमारा छीना है। और इसका मैं तर्क देकर बताऊंगा, अब से लगभग 500-550 साल पहले दुनिया को सिख धर्म मिला, अब से लगभग 1400 साल पहले दुनिया को इस्लाम धर्म मिला, अब से लगभग 2000 साल पहले दुनिया को ईसाई धर्म मिला, अब से लगभग 2500 साल पहले लोगों को बौद्ध और जैन धर्म मिला, अब से लगभग 4000 साल पहले दुनिया को सनातन धर्म मिला। लेकिन जब तक ये धर्म नहीं मिले थे, जब तक देश में आर्य नहीं आए थे, उससे पहले भी तो इस देश में और इस दुनिया में इंसान था, फर्क सिर्फ इतना उस टाइम ना धर्म था ना जाति थी। जाति छोटे छोटी छोटी जातियों में समाज को चालाक इंसानों ने बांटा है अपने फायदे के लिए, लेकिन आज छोटी 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 जातियों में हम अपनी मर्जी से बटे, ये दुख की बात है। अगर हम चाहते हैं हमें न्याय मिले, अगर हम चाहते हैं हमें सच्ची आजादी मिले, तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, पूरे देश में लोगों को बोलना पड़ेगा जाके कि आओ आज हम अपनी सारी छोटी छोटी जातियों को खत्म करते हैं, और अगर हमसे कोई पूछे तुम्हारी जाति क्या है, तो हम कहेंगे मैं हूं अंबेडकरवादी।
मैं हूं अंबेडकरवादी, मैं हूं अंबेडकरवादी। तो आओ हम सब लोग अपनी जातियों को खत्म करके अंबेडकरवादी बने, उसके बाद एक बहुत बड़ा मंडप सजाएंगे और अपने सारे समाज को बुलाएंगे, युवक युवतियों को बुलाएंगे, किसी की जाति ना पूछेंगे ना कॉलम में लिखेंगे, और युवतियों को युवकों को कहेंगे कि अपना मनपसंद वर चुन लीजिए, क्वालिफिकेशन अपने हिसाब से देख लीजिए, सब कुछ अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन कोई जाति नहीं पूछेगा, इनके आपस में शादी कराओ और उसके बाद जो अंकुरित होंगे समाज के कर्ण, ना उसकी कोई जाति होगी। और धर्म तो हमारा बौद्ध धर्म है, बाबा साहेब देखे ज्ञान पर आधारित धर्म, तो हम अपने वापस अपने धर्म की तरफ मुड़ेंगे, अपने धर्म को समझेंगे। और ये धर्म महान इसलिए पूरी दुनिया को आज इसकी जरूरत है, जिस तरह लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जिस तरह सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जिस तरह लोग खून बहा रहे हैं एक दूसरे का, ऐसे में बुद्ध के धर्म की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। क्योंकि केवल बुद्ध का धर्म है जहाँ कोई भी अंधविश्वास के लिए जगह नहीं है, जहाँ जाति व्यवस्था के लिए जगह नहीं है, जहाँ ऊंच नीच के लिए जगह नहीं है, और जहाँ विज्ञान पर आधारित धर्म है, सच पर आधारित धर्म है, भाईचारे पर आधारित धर्म है। तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश वास्तव में सोने की चिड़िया होगा, जैसा बुद्ध के समय पे सोने की चिड़िया भारत हुआ। तो आज देश की एकता और अखंडता खतरे में है, इसलिए मेरी चिंता बढ़ी हुई है। क्योंकि अगर ये जातिवाद इस तरह बढ़ता रहा, इसी तरह लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते रहे, अगर हमारे लोगों को इसी तरह बार बार प्रताड़ित किया जाता रहा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो फिर हम अपने देश को सुरक्षित रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर अपने देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेहनत में आपसे निवेदन करूंगा, इस देश को एकजुट करने के लिए भारत के संविधान को सीने से लगाए कि आप सब लोग एकता का नारा, बाबा साहब का नारा देते हुए इस समाज को एकजुट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब लोग अपनी जाति को खत्म करने के लिए तैयार हैं? तो आओ चलो मानवता के रास्ते पे बढ़ते हुए बंधुता को आगे लेके साथ चले और पूरे भारत को बुद्धमय भारत बना दे, प्रबुद्ध भारत बना दे, एक भारत बना दे, महान देश बना दे। मेरा भारत महान तभी बनेगा जब हमारे विचार महान होंगे, जब हम लोग इंसान की इज्जत करना सीख जाएंगे, और हमारे अधिकार तब सुरक्षित रहेंगे जब हम दूसरे के अधिकारों को इज्जत करना सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पुनः आप सबको बाबा साहब की 127वीं जयंती पर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः मंच जनेंद्र जी को देता हूँ, शुक्रिया।